वड्डी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है, पिछे हट गई है। कल शंभू बैरियर से खनौरी बैरियर के उत्ते हरियाणा पुलिस पिछे हट गई थी, जिस तो बाद किसानों सीधा सीधा राह मिल गया सी। ते हुण मजबूरन कह लईए या केंद्र सरकार की कोई चालबाजी कह लईए या दिल्ली पुलिस की कोई चालबाजी कह लईए, फिलहाल ताज़ा खबर ताज़ा ब्रेकिंग ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस पिछे हट गई है, किसानों दिल्ली दे विच वड़न लई राह पद्धरा हो गया। और एक होर गल तुहानूं दस दिंदे आ कि दिल्ली दे विच दिल्ली पुलिस ने उन्हां नूं बुराड़ी दे विच धरना प्रदर्शन करन दे लई इजाजत दे दित्ती है, थां मिल गई है। न्यूज़ प्रोड्यूसर साडे नाल ने मनविंदर, मनविंदर की पोजीशन है, जो ताज़ा हालात आपां कल तों लगातार देखते आ रहे सी, जिस तरीके नाल हुण दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस तों बाद पिछे हटी है, की पोजीशन है? सर, किसानों नूं दिल्ली पुलिस दे विच एंट्री करन दी इजाजत दे दित्ती गई है। जेकर गल करिए बुराड़ी दे विच, उत्थे भी प्रदर्शन वास्ते किसानों नूं जगह दे दित्ती गई है, ते किसानां वास्ते उन्होंने कहा है कि भी जिहड़े किसान ने उह इत्थे आके जिस तरह मर्जी मतलब अपना उन्हां नूं उन्होंने 6-6 महीने का राशन भी लिता होया, पर केंद्र सरकार ने यह गल कहती है उन्होंने कि भी तुसीं जिद्दां मर्जी है कि जिवें भी हैगा वो इत्थे किसान ने जिहड़े उह आके इत्थे अपना जिवें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत है उन्होंने सारा ख्याल रखा जाएगा केंद्र सरकार दे। सरकार ने जिस तरीके नाल कहा है कि असी अपना ध्यान रखांगे, किसानों का ध्यान रखांगे, हुण किते ना किते पिछे हट रही है दिल्ली सरकार जिहड़ी है वो पिछे हटी है। दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि असी किसानों के नाल उन्होंने धरना प्रदर्शन लिए असी थां भी देवांगे, उन्होंने रहन खाण पीण का इंतजाम भी करांगे। उस तो अलावा तुहानूं इह भी दस दईए कि FGPC दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे सीनियर आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर गल कही है कि साडे कोल गुरुद्वारा साहब दे विच सिखां लई किसानां लई जिहड़े साडे जवान आ रहे हैं, जिहड़े साडे लोग आ रहे हैं, जिहड़े धरना प्रदर्शन करन लई आ रहे हैं, उन्हां नूं राशन असीं मुहैया करवावांगे, सवेरे दुपहरे शाम रात दी रोटी असीं मुहैया करवावांगे, लोड़ पएगी असीं उन्हां दे रहन लई थां भी मुहैया करवावांगे। और मनविंदर इक गल सानूं होर दसो, जिस तरीके दे नाल केंद्र सरकार मोदी सरकार जो लगातार सीगी वो एक बार पिछे हटती नज़र आ रही है? सर नहीं, इहदे विच इदां कि भी जेकर जिहड़ी सरकार है किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं लगातार, ते केंद्र सरकार है जिहड़ी उन्हां ने हुण उन्हां नूं दस ही दित्ता कि तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिया कि भी केंद्र सरकार उन्हां नूं दस्सदा है कि भी तुसीं इत्थे आओगे, उन्हां दे वास्ते सारा कुछ उन्हां दे वास्ते मुहैया करवाया जाएगा। तां केंद्र सरकार तों अलावा दिल्ली सरकार ने कहा है कि असीं सारा कुछ मुहैया करवावांगे। और जिस तरीके नाल दिल्ली दी सीधे तौर पर कह लिए कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी सीगी उसने सीधे तौर पर कहा है कि असी नाल हाँ, उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के कारकुन ने जिहड़े उन्होंने कार्यकर्ता ने उन्होंने भी कहा है कि असी उन्होंने लिए हर चीज़ मुहैया करवाने लिए तैयार हाँ। आम आदमी पार्टी तो अलावा श्रोमणी अकाली दल ने भी कहा है कि वह किसानों के लिए हर तरीके दे नाल तैयार ने। कांग्रेस की गल करिए, कांग्रेस ने परसों 25 तरीक नूं ये गल कह दित्ती सी कांग्रेसी आगूआं ने कि दिल्ली तक जाण दा उन्हां दा सारा मेहनताना, उन्हां दा सारा जो भी राशन की गल करिए, खाने पीने के खर्चे की गल करिए, खुद उन्हां दे नाल खड़े ने। तो सीधे तौर पर हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल, सीधे तौर पर हमलावर हुई है कांग्रेस, सीधे तौर पर हमलावर हुई है आम आदमी पार्टी। तो हुण भारतीय जनता पार्टी नूं कोई भी जो राह है मोदी सरकार नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके नाल ओहो किसानां नूं कंट्रोल करना। और पहली बार यह होया जदों तो नरेंद्र मोदी सरकार आई है भुंजे मूंह डिगी है, पहली बार अजिहा होया कि 2014 तो 2020 6 साल हो गए ने, पहली बार जिहड़ी मोदी सरकार भुंजे डिगी है, किते ना किते उसनूं इह गल कहनी पई है कि वह किसानां दे नाल गलबात करन लई तैयार है। 2 महीनों तो किसान अपना संघर्ष करते आ रहे हैं हरसिमरन, जिस तरीके नाल ये हालात पैदा होए ने मोदी सरकार भुंजे डिगी है, की कहना चाहांगे जिस तरीके नाल सानूं लगातार खबरां मिल रही हैं? सर इत्थे इह कहना चाहांगे कि दिल्ली सरकार जिहड़ी है उह किसानां दे हक विच खड़ी होण नूं तैयार हो गई है, क्योंकि उत्थे 9 स्टेडियम की मांग की गई थी पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस वालों कि उन्होंने अस्थाई जेलों के तब्दील करके उत्थे किसानों नूं हिरासत च रखांगे। पर दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली पुलिस नूं दिल्ली सरकार वालों जवाब दे दिता गया कि उत्थे जिहड़े किसानों नूं हिरासत विच नहीं लिया जाएगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा, उन्हों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली सरकार जिहड़ी है किसानों के नाल है, किसानों के संघर्ष विच उन्हों का साथ दे रही है। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके दे नाल साथ दे रही है, श्रोमणी अकाली दल साथ दे रही है, किसान दी जत्थेबंदियां जिहड़ियां ने बहुत तेजी नाल उन्हां उत्ते हावी मोदी सरकार दे उत्ते हावी हुंदियां दिखाई दे रही है। और किसान इस समय वड्डी खबर यह है कि दिल्ली दे विच पहुँच चुके हैं, दिल्ली दी सीमावां दे विच दाखल हो चुके हैं और बहुत छेती
स्काई न्यूज़ पंजाब तुहानूं दस्सेगा कि वह बुराड़ी दे विच पहुंचे। तुहानूं इह वी दस दईए कि बुराड़ी दे विच आम तौर ते बहुत वड्डा मैदान है जिथे निरंकारी हर साल अपना सत्संग समागम करते हैं, जिथे लखां दी गिणती दे विच लोग जुड़ते ने कि निरंकारियां दा सत्संग सुनते हैं, निरंकारी महाराज का, उन्होंने गुरुआ का। और हुण उस जगहों के उत्ते किसान अपना प्रदर्शन करेंगे और अन्ना हजारे तो बाद ये पहला एक वड्डा प्रदर्शन होएगा जिथे किसान अपना अंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उत्ते मोदी सरकार के उत्ते हावी होंगे। तुसी जुड़े रहो स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा ते हिमाचल दे नाल। छेती ब्रेकिंग ले रुकते और ब्रेकिंग तो बाद तुहानू नवी अपडेट दिंदे आ न्यूज़ रूम तो सीधा लाइव।